आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें निकालनी है जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं क्रम से 2i + 3j + k, 3i + 4j - k और 4i + j - 2k। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं क्रम से, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो ये है अपने पास 2i + 3j + k। ठीक है, और बी अपने पास 3i - 4j - k। ठीक है, और सी अपने पास 4i + j - 2k। ठीक है, अब देखो मेरे को भुजाएं निकालनी है, तो पहली भुजा अपने पास क्या आ जाएगी, ए बी भुजा। ये क्या हो जाएगी, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो अपने पास हो जाएगा 3i - 4j - k - 2i + 3j + k। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा i और माइनस, और माइनस 4 माइनस 3 कितने हो गए, माइनस का 7 j और माइनस का k माइनस का k माइनस का 2 k। ठीक है, तो ए बी का परिमाण क्या आ जाएगा अपने पास, यही ए बी भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो देखो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 + 49 + 4। ठीक है, तो देखो 49 + 50 = 4 √54। ठीक है, ये तो आ गई पहली भुजा। दूसरी भुजा अपने पास BC, BC का समीकरण क्या हो जाएगा, C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो देखो ये अपने पास हो जाएगा 4i + j - 2k - 3i - 4j - k। ठीक है, और ये अपने पास बन जाएगा, देखो 4 - 3 i, 1 - - +4, तो प्लस का 5, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का k। ठीक है, ये हो गया अपने पास BC सदिश। अब देखो BC सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, BC सदिश की लंबाई मतलब BC भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 26 × 27, √27। ठीक है, इसी तरह मैं AC सदिश भी निकाल लेता हूँ। AC सदिश अपने पास क्या हो गया, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो C का स्थिति सदिश कितना है, 4i + j - 2k, और A का क्या है, A का अपने पास दे रखा है 2 3 1। ठीक है, 2i + 3j + k। ठीक है, और ये यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2i - 2j - 3k। ठीक है, ये आ गया AC सदिश। अब AC सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, AC भुजा की लंबाई, तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, सॉरी ये ठीक से कर देता हूँ मैं, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 + 4 + 9 9 + 4 = 13 + 4 = 17। ठीक है, तो ये अपने पास जो है AC भुजा की लंबाई आ गई। ठीक है, तो देखो AC भुजा की लंबाई ये हो गई, BC भुजा की लंबाई ये हो गई, और AB भुजा अपने पास बच गई, तो उसकी BC भुजा अपने पास आ गई और AB भुजा की लंबाई ये हो गई। ये अपने आंसर हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।